हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, आज की वीडियो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आज सिर्फ व्लॉग व्लॉग है ना गाइस। तो पहले आप वहाँ पे देखिए, हमारे बाबूजी बैठे हैं वहाँ पर, देखिए आप बाबूजी को ना गाइस। यहाँ पर बाबूजी बैठे हैं और गाइस ये देखिए हमारी लेजेंडर क्या लग रही है आप, खतरनाक। और गाइस इसकी एक खासियत है, आप ये देखिए, पहले ये चेक करिए इसका हैंडल है गाइस। ये हैंडल देखिए आप गाइस, ये खतरनाक वाला हैंडल है इसका। इसको आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। और गाइस इसकी स्टैंड भी देखिए आप, ये गाइस ये इसकी स्टैंड है ना गाइस। तो आपने हमारी लेजेंडर देखी ली होगी कैसी है, बहुत खतरनाक लेजेंडर है भाई। और गाइज ये देखिए, हमारे कैमरामैन साहब आ चुके हैं यहाँ पर है ना गाइज। ये दिया अगरबत्ती लगा रहे हैं अभी, दीपक अगरबत्ती, और ये बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा है। और गाइज आप उधर देखिए, ये क्या है, पहले ये बताइए कमेंट में कि ये कौन सी चीज़ है, कौन सा फल है ये। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कौन सा फल है ये, है ना गाइज। ये है इलायची गाइज, इसे इलायची बोलते हैं। ये इलायची हमारे गाँव में बहुत सारी लगी है यहाँ पर, और ये मीठी मीठी लगती है, एक नंबर खाने में। ये अभी पकी नहीं है, कच्ची है, ये पक जाने के बाद लाल चट हो जाती है, बिल्कुल लाल गाइस। और ये हमने बनाया था हमारा स्टूडियो लेजेंड राइडर ट्यूटोरियल वाला, लेकिन कल आपने वो वीडियो देखा था बंदर वाला, वो बंदर तोड़ कर चले गए हैं इसको, इस हमारे स्टूडियो को पूरा तोड़ दिया है उस बंदर ने, है ना गाइस। और ये यहाँ पर बनाया था हमने हमारा अच्छा वाला स्टूडियो, ये पल्ली वल्ली ऐसे निकाल फेंकी बंदरों ने। ये गाइस हमने अच्छा बनाया था, लेकिन बंदरों ने पूरा तोड़ दिया उसे। ये बंदर बहुत ख़राब बंदर है भाई, सारा स्टूडियो तोड़ कर चले गए हमारा, है ना गाइस। और वो वहाँ पर डमरू बैठा है, ये जय श्री राम की झंडी क्या उड़ रही है भाई। आप राम भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, है ना गाइस। और ये हमारी लेजेंडर का टायर पड़ा है यहाँ पर, और ये हमारी पल्टीना का टायर पड़ा है गाइस। आप पल्टीना का टायर चेक करें गाइस, और बस कुछ नहीं गाइस। वो वहाँ पर सब दूर झंडी झंडी हो रही है भाई, राम भगवान की झंडी झंडी, है ना दोस्तों। और बस तो गाइज ये चेक करिए आप पहले, ये क्या है गाइज, ये संतरा है या नींबू, बताओ बताओ जल्दी कमेंट में बताओ कि ये क्या है, संतरा है या नींबू। और गाइस इससे मिले, ये है डमरू, डमरू दादा, इसका नाम डमरू है, हमने डमरू रखा है इसका नाम। आप इसका नाम अच्छा कमेंट में बताएं, इसका नाम क्या रखना चाहिए, डमरू है इसका नाम असली, हम सब इसे डमरू डमरू बोलते हैं गाइस। आप इसका नाम कमेंट में बताएं। और ये देखिए हमारी इलायची, आप जल्दी से कमेंट में बताएं कि इसका नाम क्या है, इलायची आपके गाँव में क्या बोलते हैं इसे, ताकि आपके गाँव में है भी या नहीं, है ना गाइस। और ये डमरू गाइस, डमरू को चेक करो आप। और गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक आंटी जी से मिलाता हूँ, इनका नाम मकोड़ियाली मामी रखा है हमने ना गाइस। ये इनका डायलॉग खतरनाक वाला, तो गाइस ये अपना डायलॉग बोलेगी, इनका डायलॉग है मकोड़ी जिलापुर शाजापुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है गाइस ये ना गाइस, मकोड़ी जिलापुर शाजापुर मध्य प्रदेश। कैसा लगा गाइस आपको इनका डायलॉग, है ना गाइस, कैसा लगा आपको इनका डायलॉग, है ना गाइस, खतरनाक डायलॉग है इनका। और ऐसे डायलॉग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और गाइस अभी हम जा रहे हैं बाज़ार में सामान लेने, है ना गाइस। ये चलो चलते हैं बाज़ार में, अभी अपन बाज़ार में चलते हैं गाइस। तो ये देखिए गाइस हमारे घर के पास की सीढ़ियाँ,
ढिचक सीढ़ियाँ गाइस। और गाइस ये हमारे टीममेट रोहन का घर और ये लक्की का घर है गाइस। और गाइस ये हमारे यहाँ का बाजार है और ये यहाँ पर देखे जाजी किराना दुकान। और गाइस अभी हम सामान लेकर आ चुके हैं हमारे घर पर। और गाइस चलो पहले सीढ़ाव चढ़ते हैं। गाइस ये है हमारे घर के पास की सीढ़ाव और अगर यहाँ से कोई गिरा तो उसका हाथ पैर भी नहीं बचेंगे, हाथ पैर भी नहीं बचेंगे यहाँ पर से गिरा तो। और गाइस ये रहा हमारा सामान लेकर आ चुके हैं हम वापस घर पर। तो चलो गाइस पहले रसना बनाएंगे हम। तो गाइस चलो पहले बनाते हैं हम रसना, ठंडे ठंडे रसना बनाएंगे गाइस हम। और पहले फ्रिज में से पानी निकालता हूँ ठंडा, लेकिन गाइस फ्रिज में तो ठंडा पानी ही नहीं है क्योंकि अभी अभी नल आए थे तो वो नल के गरम गरम पानी भरा है गाइस अभी हमने। तो पहले हम टंकी के अंदर से ठंडा पानी निकालेंगे क्योंकि हमने फ्रिज का पानी इसके अंदर ही कूट दिया था। तो गाइस पहले टंकी से ठंडा पानी निकाल, हाँ तो गाइस पहले हम इस जग के अंदर बनाएंगे रसना। तो जग को ले चलते हैं पहले घर में और शक्कर का डब्बा ले चलते हैं पहले। शक्कर का डब्बा भी ले लिया गाइस हमने और हमें चाहिएगी चम्मच क्योंकि शक्कर घोलाने के लिए है ना गाइस। क्या इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को नो सब्सक्राइब करना एंड बाय।